केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना बजट पेश कर दिया। आपको बता दें कि रिकॉर्ड 7वीं बार उन्होंने ये बजट पेश किया है। महिलाओं को, युवाओं को, गरीबों को, अन्नदाताओं को इसमें राहत देने की बात की गई थी, फोकस उन तमाम लोगों पे करने की बात की गई थी। कितना ये अपनी कसौटी पर खरा उतरा है, हमारे साथ पिंकेश जी पूर्वाल मौजूद है। भाई साहब, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के स्टार्टिंग में ही कहा था कि जैसा कि हमने अंतरिम बजट में कहा था, युवा, महिला, गरीब और अन्नदाता, इस पर फोकस रहेगा। क्या लगता है वो अपनी इस बात पर खरी उतरे? देखिए, देश में महिला आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा, ये सभी जने जानते हैं। पूर्व काल से बात कही गई है और माननीय मोदी जी इस बात को समझते भी हैं और करते भी हैं। पिछली बार महिला आरक्षण रूपी एक बहुत बड़ा गिफ्ट महिलाओं को दिया गया, देश को दिया गया, और अभी रोजगार के हिसाब से 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट महिलाओं के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए, तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी उपलब्धि है। हम सोच नहीं सकते कि इतना बेहतरीन बजट आज से पहले कभी महिलाओं के प्रति समर्पित आया होगा। और युवाओं के लिए तो यूँ समझिए कि इस बार रोजगार की बाढ़ आने वाली है। जिस प्रकार का मोदी जी ने वादा किया था, उसी अनुसार से जिस प्रकार की घोषणाएं की है, गोल्ड के ऊपर टैक्स कम करना और कृषि के ऊपर नई नई स्कीम्स लेके आना, ये सारी चीज़ें ये बताती है कि आने वाला समय युवाओं का और महिलाओं का है। वैसे एक विशेष बात यहाँ पर ध्यान देने वाली यह है कि एनडीए के कोएलिशन के अंदर बिहार और आंध्र प्रदेश भी है, तो बिहार और आंध्र प्रदेश के लोगों को उम्मीद थी कि स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन वो तो नहीं मिला, लेकिन कई हज़ार करोड़ों की सौगात मिली है। देखिए, स्पेशल राज्य का मतलब क्या है? स्पेशल राज्य का मतलब ये है कि उनको अतिरिक्त, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए और उनको अतिरिक्त बजट उनके विकास पे दिया जाए। तो वो स्पेशल राज्य के लिए बहुत सारी फाउंडेशन से वो नहीं होकर, लेकिन उनको बेनिफिट दिया है। लगभग 40,000 करोड़ से ज़्यादा का बेनिफिट बिहार राज्य को दिया और 14,000 करोड़ का आंध्र प्रदेश को दिया, जो कि मामूली नहीं है। अदर योजनाएँ तो है ही है, और इतना बड़ा बेनिफिट दिया तो समझिए कि बहुत बड़ी सौगात बिहार और आंध्र प्रदेश को मिली है। आने वाले समय में बिहार और आंध्र प्रदेश के साथ एक के कदम आगे बढ़ा के आगे बढ़ेंगे। वैसे अब जाहिर सी बात है, केंद्र का बजट आया तो विपक्ष तो आलोचना करेगा ही करेगा। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं के लिए इसमें कुछ नहीं है, किसानों के साथ धोखा हुआ है। देखिए, वो कहावत सुनी होगी, बिल्ली खंभा नोचती है, वो वाली स्थिति है। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है, दिखाने को कुछ नहीं, इनके पास आलोचना और सिर्फ आलोचना है। आप देखिए कि इन्होंने चुनाव से पहले भी इस प्रकार की बहुत बातें की थी, लेकिन इलेक्शन के बाद में जिस प्रकार से दबाव रहित बजट, जिनको पहले लग रहा था कि नहीं, माननीय मोदी जी दबाव में रहेंगे, बजट कैसा आएगा, क्या होगा, लेकिन देखिए, दबाव रहित बजट, देश के विकास के लिए बजट, जैसा उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने घोषणा की, वैसा के वैसा बजट उन्होंने ला के रखा है। ये इस बात का सबूत है कि आने वाले 5 सालों के अंदर जो ज़बरदस्त परिवर्तन देश के अंदर होने जा रहे हैं, पूरा देश विश्व के अंदर आगे बढ़ेगा। ये तो मेरे साथ पिंकेश जी पूर्वाल, इनका साफ तौर पर कहना है कि वित्त मंत्री ने बजट भाषण से पूर्व जो चीज़ कही थी कि इस बजट के अंदर युवा, गरीब, अन्नदाता और महिलाओं पर फोकस रहेगा, वो बात पे वो कहीं ना कहीं खरी उतरी है। युवाओं को काफ़ी कुछ दिया है और उसके बाद में महिलाओं को भी विशेष पैकेज यहाँ पर दिया गया है, और साथ में पंकज मीणा जी मौजूद हैं। भाई साहब, कैसा रहा बजट? आज का बजट देखा जाए तो सही मायने में गांव, गरीब, किसान के कल्याण का बजट है, ये महिलाओं के उत्थान का बजट है, और इस बजट में समाज के सभी श्रेणियों को, सभी वर्गों को जितना कुछ दिया है, मैं देखता हूँ ये अभूतपूर्व बजट है। महिला, युवा, गरीब, अन्नदाता की बात कही गई थी बजट भाषण के पूर्व में, क्या लगता है कि उस बात पे खरे उतरे? नहीं, बिल्कुल, देखिए, आज वित्त मंत्री जी ने जब भाषण प्रारंभ किया तब उन्होंने कहा कि 9 प्राथमिकता वाला बजट है। मैं आपको एक एक श्रेणी वाइज बताना शुरू करूंगा। इसमें महिला विकास के लिए 3 लाख करोड़ है, ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपया है, और किसानों के लिए इतना कुछ है। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि किसानों के लिए इतनी चिंता की गई और किसानों के लिए इतना बजट अलॉट किया गया। जहाँ किसान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, तो वहीं 400 जिलों को डिजिटल सर्वे के माध्यम से, खरीफ का सर्वे जो डिजिटल के माध्यम से होगा, और इसके अलावा KCC का दायरा बढ़ाया गया है, 5 नए राज्यों के अंदर KCC की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो ये किसानों को समर्पित, गरीब किसान को समर्पित बजट है ये। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। भाई साहब, उम्मीद होती है कि जब केंद्र का बजट आता है तब शेयर बाज़ार में उछाल होता है, हालांकि बजट भाषण से पूर्व जरूर शेयर बाज़ार में उछाल आया था, लेकिन अभी देखा जा रहा है शेयर बाज़ार में गिरावट है, क्या
देखिए शेयर बाजार का जो है वो बेसिकली जो क्षणिक जो चीज़ें होती हैं उससे अभी जो है डिपेंड कर रहा है। अभी जैसे जैसे चीज़ें निकल के आएंगी, सारी चीज़ें आएंगी, तो निश्चित रूप से इस बजट को यदि आप देखेंगे तो शेयर बाजार में मुझे लगता नहीं कि शेयर बाजार के लिए कोई माइनस पॉइंट है इसमें। देखिए हो सकता है कुछ छोटी मोटी जो कैपिटल गेन के टैक्सेज हैं उनको एक आप अलग छोड़ दें, तो सबसे बड़ा यदि मार्केट का देखें तो जो लॉन्ग टर्म मार्केट है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 11.11 लाख करोड़ रुपये जो है कैपेक्स के ऊपर खर्च किया गया है, जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होंगी, बड़ी कंपनीज होंगी, उनका आएगा, रोजगार बढ़ेंगे, उनके ऊपर रोजगार आएंगे। तो ये जो बजट है कहीं ना कहीं रेवेन्यू का जो है इसके सिस्टम के साथ में कैपेक्स को ध्यान में रख के बना हुआ बजट है, इसलिए जो है लॉन्ग टर्म यदि बाजार देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग रहेंगे और आर्थिक स्थिति जो है भारत की वो मजबूत होती हुई दिखाई देगी। तो ये सब लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे तो जो टेक्नोलॉजी में जो बाहर के फंड्स आ रहे हैं या बड़ी टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो है एक जो है उनके लिए भी सुनहरा अवसर जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो चीज़ें इसमें आपको लगता है कि आने वाला वक्त जो है ये कैपिटल मार्केट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बैटरी जरूर सस्ती करी गई हैं लेकिन पेट्रोल डीजल और एलपीजी के लिए कोई बात नहीं। देखिए मैं कहा ना कि देखिए 2047 को विकसित भारत के लिए आज आप देखें कि हालत जो है पूरा का पूरा जो है विश्व जो है क्लाइमेट से परेशान है, तो जितना भी जो है इस पर सबसे बड़ा जो ध्यान रखा गया है क्योंकि प्रकृति के साथ जो है भारत हमेशा जुड़ा हुआ रहा है। और उन्होंने कहा है कि आप मैं एक छोटा सा उदाहरण आज आपको बताता हूँ कि जर्मनी जैसे जहाँ पर आज 12 से 13 डिग्री टेम्परेचर होता था आज आप देखिए 31 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब एक तरीके से कितनी बड़ी स्थितियाँ हैं कि जो है हमारा जो एनवायरमेंट है वो खराब हो रहा है। तो इसके कारण आप देखें तो सोलर की जो है 1 लाख घरों पर जो है सोलर पैनल बनाने की जो पीएम सूर्य योजना है उसको बढ़ाया गया है, सोलर जो चीज़ आई है उस पर बढ़ाया गया है, बैटरीज आने के लिए जो एक ग्रीन एनर्जी है उसको बढ़ावा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि जितनी जो चीज़ें हैं जो डिपेंडेंसी थी इस पेट्रोल डीजल पे वो कम हो करके ग्रीन एनर्जी के ऊपर आए, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। ऐसा राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है और डबल इंजन की बात बार बार होती है, तो क्या लगता है आपको इस बजट से राजस्थान को क्या कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए इस बजट से आपको जो है स्टेट वाइज आप देखेंगे तो राजस्थान को पहले भी बहुत कुछ मिला है, तो आप देखिए कि जितने हाईवेज़ हैं जितनी जो कनेक्टिविटी हैं वो कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़ती नज़र आई हैं। आज जितनी भी चीज़ें हैं इंडस्ट्रियल जो चीज़ें बनकर के आ रही हैं वो जो है कहीं ना कहीं राजस्थान को नज़दीक होने के कारण उन चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। आज सोलर में क्योंकि सबसे ज़्यादा बेसिकली आप देखें तो धूप जो है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पड़ती है, हमारे यहाँ वो उसका जो है सबसे बड़ा है, तो सोलर में जितना जो बढ़ाई गई है उसका राजस्थान जो है बड़ा बेनिफिट ले सकता है। तो ये जो चीज़ें कहीं ना कहीं राजस्थान को बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए द्वार खुले हैं, पर्यटन के स्तर पे जो है उन्होंने किया है वो राजस्थान उसमें जो है अपनी भूमिका निभाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान के लिए बहुत सारे क्षेत्र जो हैं इस बजट में खुले हुए हैं और उनमें जो है कहीं ना कहीं हम आकर के एक अग्रणी राज्य के अंदर अपना जो है स्थान बना पाएंगे। आपने देखा कि जिस प्रकार से बजट घोषणाएं की गई हैं और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि युवा, महिला, गरीब और अन्नदाता पर ध्यान दिया गया है, इसमें युवाओं की अगर हम विशेष तौर पर यहां पर अगर बात कर लें तो करीब 500 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों के अंदर इंटर्नशिप या फिर नौकरी का प्रावधान है। महिलाओं की अगर हम यहाँ पर बात कर लें, महिलाओं की या फिर बालिकाओं की, तो उनके लिए भी 1 लाख करोड़ का पैकेज यहाँ पर दिया गया है। न्यू टैक्स रिजीम में एक बड़ी छूट का ऐलान है। एजुकेशन लोन के लिए 2 लाख करोड़ का ऐलान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, महिलाओं के लिए विशेष फोकस करने की बात कही थी, 3 से 4 लाख तक की करोड़ का ऐलान महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए किया गया है। 100 शहरों के कायाकल्प की बात की गई है, जैसा कि मोदी सरकार ने संकल्प किया था। स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई है। स्वास्थ्य की अगर बात कर लें तो कैंसर की दवाइयां यहां पर सस्ती होंगी। राजकोषीय घाटा कम करने की यहां पर बात की गई। तो कुल मिलाकर अगर हम यहां पर बात कर लें बजट की अगर बड़ी बातों पे, तो मोबाइल चार्जर प्रोडक्शन पर सीमा शुल्क हटाया, बैटरी और जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं वो सस्ती की गई हैं, तो कुल मिला के देखा जाए तो एक जो विकसित भारत का जो संकल्प यहाँ पर मोदी सरकार ने लिया उसे देखते हुए ये बजट उसी ओर बढ़ता सा दिखाई दे रहा है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।